बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खरगोश और कछुआ। एक बार एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ जंगल में रहते थे। एक बार खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। खरगोश ने कछुए से कहा, चलो दौड़ लगाते हैं, जो नदी तक पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। कछुआ तैयार हो गया। दोनों में दौड़ शुरू हुई। कछुआ और खरगोश दौड़ने लगे। खरगोश ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर लेता हूँ। तो खरगोश पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में खरगोश को नींद आ गई। कछुआ अपनी धीरी चाल से चलता जा रहा था। चलते चलते कछुआ नदी तक पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो नदी के किनारे पहुंच गया है। अब खरगोश को बहुत दुख हुआ। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। ओके बच्चों, टेक केयर, एंजॉय योर डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों।